जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई वाहन चलाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कमर्शियल हो, चाहे आप ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, या फिर ओला उबर कैब चलाते हैं, या फिर आपकी अपनी पर्सनल कार भी है, तब भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 4 दिन की जो एडवाइजरी जारी की है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि दिवाली के मात्र 5 या 6 दिन बचे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कभी पंच परमेश्वर सम्मेलन होता है, कभी किसान सम्मेलन होता है, कभी किसी मंत्री से मीटिंग होती है, कभी किसी दूसरे विदेश से आए हुए मंत्री से मीटिंग होती है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर तमाम जो रोड हैं वो कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि आने जाने वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। खास करके मैं बता दूँ, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर भाई जो हैं, जो इस समय जो सीजन है उनका कमाने का, दिवाली का त्यौहार है, लोगों का आना जाना पड़ता है, तो ऐसे में जो है लोग ऑटो या टैक्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यही समय होता है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाई कुछ पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि त्यौहार आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन 4 दिनों में उनकी जो कमाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। उस कम होने का कारण दोस्तों यही है कि पहले तो आज जो 18 तारीख है दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ, किसान जो है किसान सम्मेलन होगा दोस्तों। किसान सम्मेलन होने के कारण आपको मैं बता दूँ, पूसा रोड जो है उसके आसपास के इलाके, चाहे आप पटेल रोड के आसपास के इलाके कह लीजिए, करोलबाग का जो मेन रोड है मेट्रो वाला उसे कह लीजिए, या फिर जो लोहा मंडी से और पूसा इंस्टीट्यूट तक आता है उसे कह लीजिए, शंकर रोड कह लीजिए, या फिर करोलबाग से जो धौलाकुआं के लिए वंदे मातरम रोड जाता है उसको कह लीजिए, मतलब जो है जो पूसा इंस्टीट्यूट है उसके आसपास के जितने भी रोड हैं दोस्तों, आज की डेट में वहां पे काफी ज्यादा जाम रहेगा, क्योंकि वहां पे किसान सम्मेलन चालू है। तो दोस्तों, आज पहले तो ये था आज का दिन का, ठीक है, लेकिन आज से लेके और 4 दिन आगे तक, यानी कि कहें तो 21 अक्टूबर तक, काफ़ी सारे ऐसे रोड हैं जो जिन पे हैवी ट्रैफिक रहेगा, कुछ समय के लिए कुछ बंद कर दिए जाएंगे या फिर उन पे हैवी ट्रैफिक रहेगा। वो क्यों रहेगा, सारी जानकारी आपको चलिए मैं डिटेल में बता दूं। तो ये जो है रोड में ट्रैफिक क्यों रहेगा, क्या कारण है, ये है यहाँ पे देखिए दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आगामी 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक इंटरपोल का कार्यक्रम चलने वाला है। इस कार्यक्रम में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। इंटरपोल के इस कार्यक्रम की शुरुआत 18 अक्टूबर को होगी और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के समापन की बात करें तो इस कार्यक्रम का समापन 21 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा करवाया जाएगा। आगामी 4 दिनों के लिए दरअसल इंटरपोल के कार्यक्रम की वजह से दिल्ली में कई रूटों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि आप इन रूटों पर जाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहेगा। कौन कौन से वो रूट हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिरोजशाह रोड, अशोका रोड, जनपथ, सिकंदरा रोड, बाराखंबा रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉक्टर APG अब्दुल कलाम रोड, भैरव मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पंचशील मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, सरदार पटेल मार्ग और गुरुग्राम रोड, इन सभी रोडों पे है काफ़ी ज़्यादा 4 दिनों तक ट्रैफिक रहेगा। कारण मैंने बता दिया, 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रगति मैदान में 195 देशों की जो मीटिंग वहाँ पे सम्मेलन होगा उसके कारण ये सब कुछ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।